नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति रीता। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी कुछ कविताएं सुना रही हूं। पहली कविता है कहानी की नायिका। दुनिया के किसी भी कैलेंडर में औरतों के लिए छुट्टी शब्द दर्ज नहीं था। अपने शौक को जीने वाली औरतें महान थीं। नीम अंधेरी रात में जला आती थीं दिया। इतिहास में दर्ज हर ईंट से लगा सीमेंट, औरत की रीढ़ की हड्डी से बहता नमकीन पसीना है, जो दिखता नहीं, जिसे चखा जा सकता है। जीवन के स्वाद में उतरी औरत तुम्हारी कहानी की नायिका है, जिसके केश बिखरे हैं, चेहरे पर काला निशान है। औरत का जीवन गठरी में बंधा सामान है, जिसे कभी भी लात मारकर देहरी से बाहर किया जा सकता है। औरत तुम्हारे घर आकर खोलती है गठरी, संजोती है जीवन। तुम उसके स्वप्न पर ठोकते हो कील। औरत ने आधे मन से तुम्हें जिया, आधे मन से जिया स्वप्न। औरत उधार में मांगती है वक्त, तुम उसके वक्त में चाहते हो आनंद की पराकाष्ठा। औरत ढूंढती है कोई रास्ता, जिससे होकर दिखता हो खुला आसमान। औरत आसमान की छाती पर उगा आती है एक फूल, आसमान सुगंध से भर जाता है। यह मत कि औरतों का संसार दुखों से पूर्ण है, इस मत पर एक औरत गोईठा थापती है। दूसरी कविता आखिरी निशानी। कितना कुछ सहेजा जाना बाकी था, हमने किया प्रेम, आरंभ से अंत तक प्रेम। कितने चित्र उकेरे जाने बाकी थे, हमने छुआ तुम्हारा चेहरा, बनने लगे थे कई कई चित्र। एक पूरा समंदर तय करना बाकी था, हमने देखी तुम्हारी आँखें, उम्मीद से भरी तुम्हारी आँखें। कितने रास्तों पर चलना बाकी था, हमने नापी उंगलियों के पोर से तुम्हारी पीठ, पीठ का नमक। कितनी ही किताबों के पन्नों को चखा जाना बाकी था, हमने चखा तुम्हारी छाती का स्वाद। हाथ लिए रही रसीदी टिकट, कितना कुछ लिखा जाना बाकी था, पन्नों पर खींचती रही लकीर, गढ़े जाते रहे शब्द। माँ को कितनी शिकायतें हैं मुझसे, माँ चाहती है मैं पकाऊं खाना, मैं सिर उठाए घूरती रही आकाश। प्रेमी को चाहिए था उठती गिरती सांसों का हिसाब, गले की जंजीर में लटकता लॉकेट उसके प्रेम की आखिरी निशानी है। एक छोटी सी और कविता पढ़ती हूँ, प्रेम कविता है अग्नि संभवा। वह अलसाई सी सुबह थी, जाते हुए तुम लौट आए थे, लौट आई थी घर में रौनक, रसोई में बना पकवान सुगंधित हो उठा था, मन दूब घास सा लतर आया था, गोता लगा आया था तुम्हारे तानूर में। वह बरामदा जहां बैठकर कनखियों से तुम प्रेम जताते थे, वह बरामदा अल्पनाओं से भर गया था। पाँव में आलता, हाथ में मेहंदी के रंग उतर आए थे, ठोस से तरलता में देह परिवर्तित हो रहा था,
बिस्तर केवड़ों के गंध से भर गया था। भीज कर हथेली तुमने कहा, अग्निसंभवा तुम्हारे होने में ही प्रेम है, मिहिरदेव तुम्हारे प्रेम से ही जीवित है अग्निसंभवा, अग्निसंभवा तुम्हारे होने में ही प्रेम है और मिहिरदेव तुम्हारे प्रेम से ही जीवित है अग्निसंभवा। शुक्रिया मित्रों।